अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन के किन किन शहरों में परमाणु संयंत्र है। ज़ेलेंस्की ने अपने पास परमाणु बम होने का कोई दावा तो नहीं किया है, लेकिन ज़ेलेंस्की के पास वो न्यूक्लियर पावर जरूर है। साल 1990 में यूक्रेन के पास करीब 8 न्यूक्लियर प्लांट थे, साउथ यूक्रेन, इसके अलावा रिविन, इसके अलावा जो प्लांट सामने आए हैं चेर्नोबिल, ज़ापोरिज़्या, ओडेसा, चिहन और खार्किव। लेकिन अब जब युद्ध चल रहा है तो यूक्रेन के पास 4 एक्टिव प्लांट है जिसे वो परमाणु बम में बदला जा सकते हैं। वो प्लांट किन किन जगहों पर हैं ये हम आपको दिखाते हैं। साउथ यूक्रेन, रिवीन, इसके अलावा खेमेंसांस्की और ज़ापोरिज़्या, ये वो प्लांट है जिसका इस्तेमाल वो कर सकता है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर परमाणु युद्ध का खतरा और बढ़ गया है। इंग्लैंड की अखबार का दावा है कि रूस ने नॉर्थ अटलांटिक सागर में अपने कई परमाणु सबमरीन भेज दिए हैं। हर परमाणु सबमरीन में 16 परमाणु मिसाइल मौजूद है। तो ब्रिटेन के अखबार ने यह बहुत बड़ा दावा किया है। इस वक्त की महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं, परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ चुका है। रूस ने परमाणु पनडुब्बियां उतार दी है, तो रूस ने इसकी शुरुआत कर दी है। अगर हम इस अखबार पर भरोसा करें, अटलांटिक महासागर में रूसी पनडुब्बी इस वक्त मौजूद हैं और बेड़ा पूरा रवाना हो चुका है। परमाणु धमकी लगातार रूस दे रहा था और परमाणु युद्ध अगर होता है तो पूरी दुनिया पर इसका गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। तो ये तस्वीर आप देखिए, रूस ने परमाणु पनडुब्बियां उतार दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये रूस की परमाणु पनडुब्बियां हैं जो उतर चुकी हैं, पूरा का पूरा बेड़ा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और ये समझा जा सकता है कि जो धमकी पुतिन दे रहे थे अब उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इंग्लैंड की अखबार का दावा है कि रूस ने नॉर्थ अटलांटिक सागर में अपने कई परमाणु सबमरीन भेज दिए हैं। तो नॉर्थ अटलांटिक सागर की तस्वीरें जहां पर परमाणु सबमरीन इस वक्त मौजूद हैं, और ये आप समझिए कि हर परमाणु सबमरीन में 16 परमाणु मिसाइल मौजूद हैं।